नाउ द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज डिवेलपिंग अ कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी हाउ यू हैव टू डेवलप अ कस्टमर स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लेकिन इस स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले देर आर सम की इम्पॉर्टेंट डिसीजन सम मेन वाइटल डिसीजन विच यू हैव टू टेक कौन कौन से डिसीजंस हैं जो कि स्ट्रेटजी को डेवलप करने में आपको हेल्प करते हैं या एक्चुअली वो पिलर्स वो बेस फाउंडेशन बनाते हैं जो कि आपको स्ट्रेटजी के अंदर हेल्प करता है बनाने के अंदर सबसे पहला डिसीजन विच यू हैव टू टेक इज इज़ नंबर वन वट कस्टमर सर्विसेज आर एक्सपेक्टेड एंड वट कस्टमर सर्विसेज आर ऑगमेंटेड जिस तरीके से अभी हमने दोनों टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ा अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हमने कस्टमर की सर्विसेज को एक्सपेक्टेड सर्विसेज भी पढ़ी और ऑगमेंटेड भी पढ़ी सो द फर्स्ट मेन डिसीजन रिटेलर को लेना है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि मैं ऑफ़र करने जा रहा हूँ नंबर वन और फिर उन सर्विसेज में से कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज़ हैं और कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज हैं सो दोनों को उसको बाइफरकेट करना है ताकि कुछ जो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज हैं वो इंश्योर कर सके कि ये तो फॉर श्योर sure मुझे ऑफ़र करनी है और जो ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज हैं जहाँ से कंपेटिटिव एडवांटेज आना है तो उसको ये इंश्योर करना है कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करूँ कि जिससे मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज हो ओवर द कंपटीशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्ट्रेटजी कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगा वो पहला पॉइंट ये है कि आपको वो तमाम जो सर्विसेज हैं उनको लिस्ट डाउन करना है और लिस्ट डाउन करके उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज हैं और कौन सी कस्टमर सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज हैं सेकेंड डिसीजन जो आपने फॉरन करना है वो है वट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज इज प्रॉपर टू कॉम्प्लीमेंट अ फर्म्स इमेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने ये फ़ौन इंश्योर करना है देखना है कि कौन कौन से कस्टमर सर्विसेज के एलिमेंट्स ऐसे हैं एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जिससे फर्म के इमेज के ऊपर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं फर्म के इमेज को बिल्ड करते हैं उसको डेवलप करते हैं उसको ग्रो करते हैं उसको मेनटेन करते हैं उसको सस्टेन करते हैं सो सारे केसेस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कस्टमर सर्विसेज की एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि उसको कॉम्प्लीमेंट करें अगर आप एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज स्ट्रैटी बनाना चाहते हैं इट शुड भी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन इमेज क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रेपोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के नज़र में जो बिल्ड हो जाएगी कस्टमर उसी इमेज को लेकर कैरी करेगा फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स के अंदर इन इन जनरल आपको एग्जाम्पल एक कोट करता हूँ कि अगर आप लट से वे बैक जब टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड एट के अंदर वन मेट्रो स्टार्ट इन पाकिस्तान तो नॉर्मली वट दूस टू डू कि वहाँ पर स्टोर के अंदर बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे सो द नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर जब कस्टमर शॉपिंग के लिए जाते हैं दे गो विद फैमिली लेकिन एज ए कंपनी एज ए रिटेलर दे हैव दिस स्ट्रेटी कि स्टोर के अंदर किड्स आर नॉट अलाउड विच मीन यू हैव को कम नॉट विद योर किड्स सो इन जनरल ये दोनों बातें से ये दोनों बातों में डिफरेंस था व्हाट इज़ कस्टमर जो कस्टमर एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा है या कस्टमर के जहन में है कि दिस शुड भी देर इज़ नो प्रॉब्लम अगर एक रिटेल स्टोर है तो वहाँ पर आपको जाना है फैमिली के साथ जाना है यू हैव टू शॉप और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और उसकी उसकी प्रोसीजर्स हैं कि यहाँ पर दिस काइंड ऑफ लेट्स किड्स आर नॉट अलाउड तो जब इन दोनों की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बेशक इफ़ेक्ट होगी या उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर बात करें तो इट वॉज़ बैडली हर्ट टू दैट पर्टिकुलर रिटेलर एंड देन ग्रेजुअली फिर उसको उनको चेंज करना पड़ा उस टाइप ऑफ कस्टमर सर्विसेज को कि उन्होंने उसको दे हैव ओपन इट फॉर ऑल के देव डाव स्टार्टेड वेलकमिंग एवरी वन बेश विद फैमिली और विद फ्रेंड्स और एनी वन यू कैन कम एंड नाउ यू कैन शॉप तो एक्चुअली जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एज ए रिटेलर स्ट्रेटेजी की बात आ रही है कि उसके स्ट्रेटजी के ऊपर इमेज क्या आपका क्या इमेज ऑर्गेनाइजेशन का इमेज क्या बेहतर हो रहा है या इमेज क्या ख़राब हो रहा है सो आपको फ़ौर इवेल्यूट करना है और फिर उस बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि यस दीज आर द कस्टमर सर्विसेज जो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करती हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को एज ए रिटेलर और ये उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाती है तीसरा डिसीजन हमारे पास जो मौजूद है जो कि स्ट्रैटेजी को बनाने में कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी को बनाने में डेवलप करने में हेल्प करता है शुड देयर बी अ चॉइस ऑफ कस्टमर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या आपको कस्टमर को ऑफर करना है एक चॉइसेस ऑफ कस्टमर सर्विसेज या कोई एक आधी कस्टमर सर्विसेज वुड बी एनफ रिटेलर so, को बहुत इंपॉर्टेंट है जब उसने लिस्ट में आइडेंटिफाई किए हैं एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज एंड ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज तो साथ साथ उसको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कस्टमर को कितनी चॉइस देनी है कस्टमर सर्विसेज की वन टू थ्री फोर फॉर एग्जाम्पल क्या मैंने कस्टमर को कोई ट्रॉली फैसिलिटी देनी है ओके दिस इज का वन क्या मैंने कस्टमर को कोई शॉपिंग बैग की फैसिलिटी देनी है बिल्कुल नंबर टू क्या मैंने कस्टमर को कोई गिफ्ट पैकिंग की फैसिलिटी देनी है ओके नंबर थ्री क्या मैंने कस्टमर को प्रेयर रूम की फैसिलिटी देनी है नंबर फोर क्या मैंने कस्टमर को एक अच्छे क्लीन वॉशरूम्स देने हैं नंबर फाइव सो इस तरह बहुत सारी कस्टमर सर्विसेज हैं जो कि आप ऑफर कर सकते हैं देर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि आप कस्टमर को सर्विसेज को कर सको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं लेकिन आपको ये देखना है एज ए रिटेलर कि मैंने कौन कौन सी चॉइसेस ऐसी हैं जो कि कस्टमर को ऑफ़र करनी है और मेरे पास कस्टमर सर्विसेज के कौन कौन सी चॉइसेस मौजूद हैं विच विच आई कैन डू एज पर माई ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज एंड एज़ पर द नीड ऑफ द कस्टमर फोर्थ मेन डिसीजन हमारे पास है शुड कस्टमर सर्विसेज बी फ्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस परस्पेक्टिव में कि नॉर्मली कस्टमर सर्विसेज की एट द एंड ऑफ द डे दर इज़ अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट तो आपको हमेशा ये देखना है कि कौन कौन सी कस्टमर सर्विसेज़ जो आप ऑफर करने जा रहे हैं ये फ्री होनी चाहिए या देर हैज़ टू बी अ चार्ज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो लट से आप किसी स्टोर को विज़िट करते हैं और कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि ट्रॉली को लेने के लिए यू हैव टू पे फॉर इट लेट से टेन रुपी और ट्वेंटी रुपीज़ आपको ट्रॉली के लिए पे करना पड़े तो शायद यू विल फील बैड फॉर इट और मे uh, बी आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि ऐसा कुछ होने लगा है लेकिन अगर हम किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री की बात करें सो वहाँ पर रिटेल स्टोर में इन ऑर्डर टू गेट द ट्रॉली यू हैव टू पे वन यूरो और टू यूरो और वन डॉलर और टू डॉलर्स आपको वो पे करने हैं ताकि आप एक्चुअली उस ट्रॉली को ले सके तो अगेन आपको ये देखना है कि किस कंट्री के अंदर कौन कौन सी कस्टमर सर्विसेज ऐसी हैं जो कि मैं फ्री ऑफर कर सकता हूं शॉपिंग बैग एक बहुत अच्छी एग्जांपल है सारी दुनिया में यू हैव टू पे फॉर दैट शॉपिंग बैग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे शॉपिंग बैग फ्री मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के अंदर तो आपको नॉर्मली एज ए रिटेलर ये इवेल्यूएट करना है कि मैं कर सर्विसेज को क्या मैं फ्री दे सकता हूँ और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो फ्री दे सकता हूँ या मुझे सर्विसेज को देना तो है लेकिन सर्विसेज के मैं चार्ज करूंगा सर्विसेज के बदले आई विल यू आई विल चार्ज द कस्टमर और कस्टमर उसके बदले पे करेगा नेक्स्ट डिसीजन हमारे पास है हाउ कैन अ रिटेलर मैयर द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेस अगेंस्ट देयर कॉस्ट रिटेलर किस तरीके से मैयर करेगा कि जो मैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर सर्विसेज है उसके बदले बेनिफिट ऑफ कस्टमर सर्विसेज कैसे मैं उसको कंपेरिजन कर सकूंगा कैसे मैं उसको मैयर करूंगा कि क्या मैं जितनी कॉस्ट लगा रहा हूं मुझे उतना ही बेनिफिट मिल भी रहा है मे बी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रॉयल्टी मे बी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ किसी भी पर्सपेक्टिव में अगर हम लॉयल्टी की बात करते हैं कस्टमर अट्रैक्शन की बात करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ सेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो क्या कस्टमर मुझे एज ए फर्स्ट चॉइस ले रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस तो येस yes, या कस्टमर मुझे प्रेफर नहीं कर रहा सो so इन तमाम केसेस के अंदर पहले आपको ये वैल्यूएट करना है कि मेरी उस पर्टिकुलर कस्टमर सर्विस की क्या कॉस्ट है और उससे मैं एक्चुअली क्या माइलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने कस्टमर से इसी तरीके से अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें सो so, uh, किसी भी तरह की एग्ज़ाम्पल इफ यू एंटर इन टू अ रिटेल स्टोर सो आपने स्टोर के अंदर यू हैव द रिप्रेजेंटेटिव कैन गाइड कस्टमर मैं दोबारा एक एग्जाम्पल के ऊपर उस तमाम पैरामीटर्स को उतार रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सो so, लेट्स आप किसी स्टोर में जाते हैं सो so आपने उसको कस्टमर को साथ डीलिंग के लिए यू हैव द रिप्रेजेंटेटिव एवरी रिप्रेजेंटेटिव हैज अ सैलरी एंड देर कॉस्ट इंटेड अगर वो कॉस्ट एसोसिएटेड कॉस्ट जो है वो बेनिफिट कस्टमर को हो रहा है उससे और उतना ही बेनिफिट हो रहा है जो कि आप एज ए रिटेलर एक्सपेक्ट करते हैं देन इट इज़ एन एक्सेलेंट आइडिया टू डू दैट टू एक्सेलेंट आइडिया टू स्पेंड दैट कॉस्ट लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू मैयर एक्चुअली कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो कॉस्ट स्पेंड कर रहा हूँ कस्टमर सर्विसेज की क्या उसके बदले कस्टमर को बेनिफिट भी मिल रहा है या नहीं लास्ट मेन डिसीजन जो हमारे पास मौजूद है इन डेवलपिंग द स्ट्रेटजी हाउ कैन अ कस्टमर सर्विसज भी टर्मिनेटेड नॉर्मली किसी कस्टमर सर्विसज को स्टार्ट करना इज़ द इजिएस्ट थिंग लेकिन द टफस्ट थिंग इज़ कि उसको आपने कैसे टर्मिनेट करना है सो नॉर्मली हमारे पास अगर आप देखें तो कस्टमर सर्विसेज की इनिशिएशन इज द इजिएस्ट थिंग किसी भी कस्टमर सर्विसेज को अगर आपने स्टार्ट करना है कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल वेन एवर यू विल कम यू विल गेट अ गुडी बैक फ्री

किस तरीके से उसके एग्जिट होने अगर पहले यू आर गिविंग फ्री डिलीवरी सर्विसेज एंड नाउ यू आर चार्जिंग फॉर द डिलीवरी सर्विसेज यू वॉन्ट टू चार्ज फॉर द डिलीवरी सर्विस तो यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर मैकेनिज्म ताकि आप प्रॉपर तरीके से कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकें फॉर एक्ज़ाम्पल अगर पहले आप पार्किंग की फीस चार्ज नहीं कर रहे थे और नाउ यू वॉन्ट टू चार्ज दी पार्किंग फ़ीस तो इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर प्लान करें कि कैसे मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज को टर्मिनेट करना है तो मैंने आपसे यहाँ पर वो तमाम डिसीजनस पॉइंट शेयर किए जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग द कस्टमर सर्विसेज स्ट्रैटी इनको एक दफ़ा रिव्यू कीजिए दिस विल रियली हेल्प यू इन मेकिंग दी गुड कस्टमर स्ट्रैटी गुड कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी जिससे कस्टमर रिटेन रहेगा लॉयल रहेगा एंड एज ए रिटेलर यू विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर